हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 18 नवंबर 2016 और आज इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल का हेडिंग आया है, हियर कम्स द सन, अर्थात अब सूरज की बारी। दोस्तों, पेरिस में पिछले वर्ष आशावाद का संचार होने के बाद 2016 में जलवायु परिवर्तन की प्रथाओं पर संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा अर्थात यूएन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC के मुद्दे पर 22वीं पार्टियों की सभा 22nd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP22 जो कि इस वर्ष अफ्रीका के देश मोरक्को के प्रमुख नगर मर्राकेश में आयोजित हुआ। ये सम्मेलन COP22 इस वर्ष 2016 में फीका ही रहा। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के प्रति कथित रूप से संदेहवादी डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी मजबूती की छाया इस जलवायु सम्मेलन COP22 पर पड़ती प्रतीत हुई। अनेक देशों ने आर्थिक सहायताओं और तकनीकों के स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के मुद्दे पर कठोरता के साथ अपने पक्ष मजबूती पूर्वक उस सम्मेलन में रखे, परंतु मंगलवार 15 नवंबर 2016 को जलवायु संबंधित बैठक में सूर्य का उदय हुआ। भारत, फ्रांस, ब्राजील सहित 20 से ज़्यादा देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA पर हस्ताक्षर किए। जब ISA के नियम निर्धारित कर लिए जाएंगे तब यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय समझौते इंटरनेशनल पैक्ट का स्वरूप धारण कर लेगा। ISA का सचिवालय गुरुग्राम या गुड़गांव भारत में स्थित होगा और इस पहल में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को ये बात इंगित करती है, इशारा करती है। भारत के ISA पर हस्ताक्षर करना ये प्रतीकात्मकता से कहीं आगे बढ़कर भारत के लिए जरूरी है। भारत के लिए ISA प्रतीकात्मकता से कहीं आगे बढ़कर महत्वपूर्ण है। भारत की योजना 2022 तक 100 गीगावाट ऊर्जा सोलर पैनल्स के माध्यम से उत्पन्न करने का लक्ष्य है। जैसे अभी भारत की वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता 6 किलोवाट से भी कम है, ऐसे में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत भारत का 2022 तक 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य बड़ा महत्वाकांक्षी प्रकार का है। इस समय विश्व भर के देशों की सौर ऊर्जा क्षमता कुल मिलाकर 200 गीगावाट से भी कम है। सौर ऊर्जा की लागतें 2012 में 10.50 रुपये प्रति किलोवाट घंटा या प्रति यूनिट थी, जो तेजी से कम होती जा रही हैं। 2015 में इसकी लागत घटकर 4.50 रुपये प्रति यूनिट रह गई है। फिर भी थर्मल पावर तापीय ऊर्जा के सामने सौर ऊर्जा की राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि कोयला आधारित बिजली कंपनियां जो होती हैं वो सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों को प्रति यूनिट तापीय ऊर्जा जो बेच रही हैं वो 2.25 रुपये से 3 रुपये प्रति यूनिट की लागत पर बिजली बेचती आ रही हैं। भारत में पूरे वर्ष के 365 दिनों में से 300 डेज 300 दिन सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, परंतु सौर ऊर्जा 3 परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं हो पाती, उत्पन्न नहीं की जा सकती। 3 ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब सोलर एनर्जी जनरेट नहीं की जा सकती। तो ये 3 परिस्थितियां होती हैं रात्रि काल में, रात्रि के समय सोलर एनर्जी जनरेट नहीं होती। दूसरा है तूफान के मौसम में, तूफानी मौसम में सोलर एनर्जी जनरेट नहीं होती। तीसरा है यदि वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन यदि सूर्य को ढक ले तब भी सोलर एनर्जी उत्पन्न नहीं होती। सभी देशों को ऐसी उन्नत तकनीक की आवश्यकता है जो सूर्य के न चमकने या धुंधला पड़ जाने के समय में भी सोलर ऊर्जा को संरक्षित करके रख सके। भारत नेतृत्वकर्ता देश के रूप में इसके तकनीकी पहलुओं पर भी योगदान करने का उद्देश्य बनाए हुए है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य सस्ती और ज्यादा बेहतर सौर तकनीकी तथा अनुप्रयोग एप्लीकेशंस विकसित करना है और ISA का टारगेट वर्ष 2030 तक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में $1 ट्रिलियन का निवेश करने का भी टारगेट ISA ने रखा है। ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट में निवेश करने से विकसित देश कतराते रहे हैं, कंजूसी बरतते रहे हैं। $1 ट्रिलियन का धन सभी सरकारों के सरकारी संसाधनों से जुटाना ये भी मुश्किल काम होगा, इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को निजी वित्त पोषण पर भी ध्यान देना होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अन्य संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी तथा रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी पार्टनरशिप REEE, ये जो संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, इनसे भी ISA को सहायता लेनी होगी। ISA के नियम निर्धारित करने में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम वोकैबुलरी डिस्कस करने जा रहे हैं। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है लीवरेज, LEVERAGE, लीवरेज का अर्थ हुआ उत्तोलक से उठाना। दोस्तों अगला वर्ड है ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी का अर्थ है धुंधला या फीका। दोस्तों अगला वर्ड है स्केप्टिक, SCEPTIC, स्केप्टिक का अर्थ है संदेहवादी। दोस्तों इससे अगला वर्ड है इनक्लेमेंट, INCLEMENT, इसका अर्थ है इनक्लेमेंट का अर्थ है तूफानी। दोस्तों इससे अगला वर्ड है टेंडम, TANDEM, टेंडम का अर्थ है टमटम गाड़ी की तरह अनुसरण करना। दोस्तों अगला वर्ड है स्टिंजी, स्टिंजी का अर्थ है कंजूस, स्पेलिंग है STINGY, इसका अर्थ है कंजूस। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल विद वोकैबुलरी डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, इसके लिंक को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये लाभ होगा, जिसका कि कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क आपको सब्सक्राइब करना है। और इसका ये लाभ होगा कि प्रतिदिन के एडिटोरियल की नई वीडियो का लिंक आपके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में ऑटोमेटिकली पहुंचता रहेगा। यदि आप रोजाना यूट्यूब चैनल नहीं भी देख पाते तो भी किसी विशेष दिन अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स खोलकर उसमें दिए गए प्रत्येक वीडियो के लिंक पर क्लिक करके एक साथ सभी वीडियोज को देख सकते हैं, आपका कोई भी एडिटोरियल मिस नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को अधिक से अधिक फेसबुक और ट्विटर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।